नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। दो दिन पहले हुए मुरैना में पटाखा अग्निकांड के बाद अब इंदौर पुलिस भी सख्त नजर आ रही है, जहां छत्रीपुरा थाना पुलिस ने रहवासी क्षेत्र में मौजूद पटाखा गोदाम पर छापामार कार्यवाही कर बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे एकत्रित कर रखे थे। पुलिस ने मौके से संचालक को गिरफ्तार कर मौके से 1,00,000 रुपए से अधिक के पटाखे जब्त किए हैं। दरअसल छत्रीपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में एक गोदाम में पटाखे का भंडारण किया गया है। सूचना पर छापामार कार्यवाही कर पुलिस ने गोदाम पर लगभग 1,00,000 रुपए से अधिक के अवैध पटाखे बरामद किए हैं। वहीं संचालक नंदू और नितिन राठौर को गिरफ्तार कर विस्फोटक अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। वहीं पकड़े गए पटाखे की कीमत 1,00,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। कि अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया गया है। नितिन राठौड़ नाम के व्यक्ति के द्वारा जो है अवैध रूप से काफ़ी मात्रा में पटाखे एकत्रित कर रखे थे, क्योंकि आसपास रहवासी क्षेत्र है। उसके मद्देनज़र वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश थे कि अगर इसी कोई अवैध भंडारण हो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे द्वारा सूचना पे अवैध पटाखों को जब्त किया गया। लगभग 1,00,000 रुपए मूल्य के पटाखे जब्त किए गए हैं और धारा 5 विस्फोटक अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी है, वर्तमान में भी एक आरोपी। चूँकि आसपास काफ़ी घना क्षेत्र है और जो फटाखा की दुकान है, जो लाइसेंसी है, वो काफ़ी दूर हैं, इसलिए इसने फटाखों का भंडारण किया गया था और अवैध थे, कोई लाइसेंस नहीं था, इसलिए कार्रवाई की गई। अभी पुराना रिकॉर्ड देख रहे हैं, होगा तो और सख्त कार्रवाई की जाएगी।